सर्विस कंप्लीट और अब टाइम है फिर से परफॉर्मेंस टेस्ट चेक करने का, 0 to 60, 0 to 100, टॉप स्पीड कौन से गियर की क्या स्पीड है सब कुछ चेक करेंगे भाई। सर्विस कंप्लीट होने के बाद ना बाइक थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस दे पाती है, मतलब थोड़ा फील भी अच्छा आता है इंजन को रेव करने में, वो थोड़ा सा फ्री फ्री फील होता है, खुला खुला सा फील होता है। तो अभी टाइम है XT125R की पूरी परफॉर्मेंस फिर से देखने का, तो चलिए यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों को बताना चाहूँगा, हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर विजन, पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। अभी सबसे पहले देखते हैं 0 to 60, 0 to 100 कितने में जाती है, दो अटैम्प करेंगे इसके, फिर देखेंगे कौन से गियर में मिनिमम अपन देख चुके हैं पहले, मैक्सिमम देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद अपन देखेंगे क्या टॉप स्पीड है। और अभी सर्विस वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है बाइक की, और अभी जो परफॉर्मेंस आएगी वो रियल लाइफ मैक्स परफॉर्मेंस रहेगी, इससे ज़्यादा फिर ये कभी नहीं दे सकती, ठीक है। बस वैसे परफॉर्मेंस काफ़ी सही है बाइक की, ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं है, बट जो है मैं बस वो बता रहा हूँ आपको। मीटर को थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ यार, ब्राइटनेस कम है यार मीटर की, बस ये थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। तो 0 to 60, 0 to 100 का फर्स्ट अटैम्प्ट है ये, जीरो टू 60 तो आपने देख लिया, वो 0 to 100 खराब हो गया अपना, बट फिर भी देख लेते हैं, फिर अगला अटैम्प्ट बढ़िया तरीके से करेंगे। हो गया 0 to 100 भी, अभी 0 to 60 और 0 to 100 एक बार और देखते हैं, ठीक है। जीरो टू 100 भी हो गया, तो अभी एक बार टॉप स्पीड देख लेते हैं, फिर एक बार और देख लेंगे टॉप स्पीड, दो अटैम्प्ट करते हैं, दो अटैम्प्ट हो जाएंगे अपनी टॉप स्पीड के, कितनी जाती है एक्सट्रीम सर्विस के बाद। पहले मैं इसको 118 तक लेके गया हूँ, अभी देखना है अभी कितनी करती है, अभी देख 111 ही चल रही है। यहाँ पे मुझे स्लो करना पड़ेगा, थोड़ा रोड का काम चल रहा है, तो अभी करेंगे टॉप स्पीड का टाइम भी, अभी ये देख लेते हैं स्लो ही हो गई ना, तो फिर अपन वो देखते हैं कौन से गियर में कितने की मैक्स स्पीड तक जाती है एक्सट्रीम। तो देखते हैं, यहाँ पर रोकते हैं साइड में। हाँ, फर्स्ट गियर मैंने बाइक में लगा दिया, फर्स्ट गियर में 32, सेकंड गियर में 56, थर्ड गियर में 83, फोर्थ गियर में लिमिटर ही नहीं आ रहा। आ गया, मैंने देखा नहीं कितने पे था, बट चलाते हैं, दोबारा आने देते हैं। एक सौ छः के आसपास थी, मैंने लिख दिया होगा। अब देखते हैं टॉप स्पीड कितने पे जा रही है एक्सट्रीम, तो दो अटैम्प्ट करेंगे टॉप स्पीड के भाई, टू अटैम्प्ट। 116, 118, 118 पे गई थी फिर स्लो हो गई यार। सोलह पे गई थी अभी, यार गर्दन दुखने लग जाती है ऐसे नीचे झुके झुके ना, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ से यूटर्न लेता हूँ, यूटर्न लेके फिर चेक करेंगे, क्या पता इस साइड विंड ब्लास्ट तो थोड़ा भी होता है तो फर्क पड़ता है यार, इतनी छोटी बाइक पे 125 cc, अगर मामूली सा विंड ब्लास्ट ही होता तो भी इनके फर्क पड़ता है, कर इन पे नहीं सभी बाइकों पे पड़ता है 19-20 का वर्क। तो अभी देखते हैं भाई मैक्स स्पीड एक्सट्रीम की, इस साइड कभी उल्टा ना हो जाए कि कभी इस साइड 118 भी ना आ जाए, मेरे साथ लोल हो जाए, मजाक हो जाए।
मेरे को डर तो लग रहा है कि अभी ऐसा कर ना दे, कर सकती है कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। इधर क्या है, पानी पानी भरा हुआ, उधर मौसम मस्त हो रहा है, लेकिन आज खतरनाक हो रहा है भाई मौसम। मौसम की तो क्या ही बताएं, बारिश आ जाए बस आज बढ़िया सी, मज़ा आ जाए। यार सही सही सोच रहा था मैं, इस साइड तो और इस कम स्पीड पे जा रही है ये। देखते हैं, खींच के रखेंगे, ढीला नहीं छोड़ेंगे। बारह चल रही है अभी, एक सौ ग्यारह हो गई। कितना भगाऊ मैं इसको, कितना भगाऊ, नहीं जा रही है यार। थोड़ा सा सीधा होता हूँ फिर भगाऊंगा यार, गर्दन में दर्द होने लग गया भयानक वाला। तो भाई वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, भगाने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि ये इतनी ही जाएगी। रियल लाइफ में जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है, सर्विस से पहले भी सेम परफॉर्मेंस थी, अब भी सेम है। हाँ 118 तक गई थी आई थिंक, अगर थोड़ा सा और कोशिश करता मैं अपनी साइड से तो 119-120 हो जाती, बट मैं इतना एफर्ट्स इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये रोड थोड़ा सा आज इस पर काम चल रहा है, दो तीन जगह ना आपने नोटिस किया होगा, तो काम चलने की वजह से ना एक दो जगह से रोड को हल्का सा खोद भी रखा और एक दो चीज़ें और रखी है, तो फिर मैंने सोचा कि अपने हिसाब से चलाते हैं, रोड सही हो जाएगा फिर चेक कर लेंगे, बाइक अपने पास ही रहनी है। देखो परफॉर्मेंस तो मुझे सेम ही लग रही है अभी भी, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, लेकिन एक चीज़ जो बेटर लग रही है पता है क्या, मतलब थोड़ा फील अच्छा लग रहा है इंजन का। पहले थोड़ा ऐसा लग रहा था कि हाँ वो थोड़ा स्ट्रेस मान रहा है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा मान रहा है, बट अभी वो चीज़ कम फील होती है इंजन के ऊपर। स्ट्रेस तो फील होगा क्योंकि 125 cc है, बट फिर भी पहले कंपैरिजन में थोड़ा बेटर फील दे रहा है। और जब इंजन का फील अच्छा हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि जब बाइक स्पीड में चल रही होती है तो कॉन्फिडेंट ज़्यादा लगती है बाइक, और हमें भी फिर उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बेटर चीज़ है और एक प्लस पॉइंट है। बट अगर आपको वीडियो से कुछ शिकायत है कि भाई ये तो सेम ही चीज़ थी पहले, तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन अगर मेहनत तो अच्छी लगी अपने भाई की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर, ध्यान रखना, मस्त रहो और खुश रहो यार।